बागपत जिले में करीब 20 महीने पूर्व हुई 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में आज बागपत कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाई गई है, जिसके चलते विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बागपत जिले बिनोली थाना इलाके का है, जहां 21 जनवरी 2018 को जीवाना गुलियान गांव में रहने वाले धीरज की 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही कि पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी कृष्ण बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया था और अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची को तलाश कर रहे बच्ची के परिजन जब आरोपी के घर पहुंची तो बच्ची को देखकर उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना उन्होंने थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था और तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके चलते आज मासूम बच्ची के आरोपी को विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का अच्छा, एक जजमेंट आया है अभी, कोर्ट ने सजा सुनाई है, क्या पूरा मामला है और कब का ये मामला था इसमें और कितनी सजा सुनाई गई है? ये 21 जनवरी 2018 की घटना है, थाना बिनोली के गांव में है, एक छोटी बच्ची थी 4 साल की, उसका पड़ोसी मुजिब है कृष्ण, वो उसको मूंगफली दिलाने के बहाने अपने घर ले गया, उसने उस बच्ची के साथ बात कर, बच्ची के फादर ने मुकदमा दर्ज कराया थाना बिनोली में और अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए इस बच्ची से। आज न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ साथ 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मामले में छोटी बच्ची को न्याय कौन जज थे, किसने सजा सुनाई है? विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम श्री शैलेंद्र पांडे